लोग स्ट्राइक रखे तो हम लोग को पे आउट का इशू था, तो उसकी वजह से हम लोग सबने आज स्ट्राइक किए थे। तो अब हमारे टीम के अंदर से 4 से 5 जन को टारगेट करके पुलिस स्टेशन में सेंट्रल टीम ने कंप्लेन करके जमा की है। हम लोग का इशू ये डाले उन्होंने कंप्लेन में कि हम झगड़ा कर रहे और कुछ कर रहे, जबकि अभी देख सकते हैं हम लोग कम से करीबन सब सुबह से आए ना, सब सुबह से आ चुके और सुबह से अभी तक हम लोग रुके और वहाँ पे हमारी जगह बैठने की, हम वहाँ पे चुपचाप बैठे गए थे। बट हमारी कंप्लेन ये डाली गई कि हमने सब झगड़ा किए और यहाँ पे हड़ताल किए गई। हमने हड़ताल नहीं किया, हमने स्ट्राइक इस चीज़ के लिए किया कि पे आउट का होगा। हमें 3 दिन पहले कहा गया कि पे आउट जो है वो कम किया, जो कम हुआ है आपको 3 दिन में रिजोल्यूशन दिया जाएगा। बोले थे कि नहीं 3 दिन पहले? तीन दिन पहले उन्होंने बोले रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसका हो जाएगा। तो हम लोग 3 दिन तक बारिश में काम किए, बिना बारिश के पे आउट की जगह पे हम लोग को बारिश का मिला। बट कैसा, जो पेमेंट पहले दी उसको कम करके पे आउट बारिश का ऐड किए और उन्होंने ऐसा दिखा कि हमें पूरा पे आउट मिल रहा है, जो ओरिजिनल बेस पे आउट थी उसको कम कर दिया उन्होंने। क्योंकि जो किलोमीटर था ना वहाँ हमारा मेन, वो किलोमीटर मिनिमम 1 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा जा रहे बट उसका पेमेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर अभी हम लोग मिनिमम 120 से 130 जन अवेलेबल रहते हैं हमेशा, और ऐसे आईडी जिनकी बनी है कम से कम 180 to 200 पीपल्स है यहाँ पे। और पे आउट का इशू ये है सर कि जो पर किलोमीटर पहले 10 रुपीज़ के हिसाब से होता था, तो मीन्स अगर हम लोग 0 किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर बाजू की बिल्डिंग में भी जाना रहा तो 30 रुपीज़ हमें मिनिमम मिलता था। तो पर किलोमीटर 10 रुपीज़ मतलब 2 किलोमीटर 40, 3 किलोमीटर 50 उस हिसाब से होता था। बट अब हम लोग 2.5 और 3.5 किलोमीटर भी जाते तो भी हमें सिर्फ 40 रुपीज़ मिल रहा है। 40 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़ ऑफ द रेन सर्च के साथ मिलता था। तो हम लोग का अमाउंट कैसा आता था, 45-50 हो जाता, जिससे कि हम लोगों को लगता था हाँ थोड़ा हमें पे आउट मिल गया। बट बारिश का था वो 15 रुपया बारिश का था, बट जो बेस पेमेंट थी वो कम थी हमारी। उस चीज़ के हम लोग इशू के लिए हमने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने हमें कोई इरादा नहीं था, हमने सबसे बात किया, सेंट्रल टीम भी आई इससे पहले, उससे पहले भी बात किए थे उन्होंने, इसके पहले भी कंप्लेन किए थे। तब पुलिस ने हमारे से बात की थी, तब उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तो हमने बोले हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया। तब उन्होंने भी बोले आप लोग झगड़ा नहीं कीजिए, शांति में आपको जो करना है। हमने वो तभी भी उस वक्त वही था और इस वक्त भी वही है, अभी भी किसी ने किसी से झगड़ा किया क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग सर मेन इशू ये है कि हम लोग अभी इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले सकते, क्योंकि हमारे 4 से 5 लड़के जो है खुद वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, अब उनके बाहर आने के बाद ही हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि सर अभी कंपनी एक चीज़ बोल दी कि आपको करना है करो या तो निकल जाओ, तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह की है जैसे कि हम लोग का जो वर्क है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, बरसात में भीग के पैर हमारे ख़राब हो जा रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बट हम लोग को जब इतना पैसा दिखाया गया बाद में अचानक से हमारा पैसा जो है कम कर दिया गया, तो हम लोग को इस बारे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग का पेट्रोल हमारा खुद का है, हम लोग को फैमिली चलाना है, हम लोग को सब कुछ हमारे खुद से करना है। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई अपर नहीं है, कोई नहीं है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा जो भी है यही है। अचानक से हमारा पैसा जो है कम कर दिया गया, तो हमें इसके लिए हमारा प्रॉब्लम हो रहा है पैसे के लिए। तो ये हमको खाली पैसा बढ़ाना है और कुछ भी नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, बस हमारी कंपनी हमारा जो पे बढ़ा दीजिए, बस इतना ही, बस और कुछ नहीं है सर। मांग कुछ नहीं है, सिर्फ पे आउट बढ़ाने की मांग है। जैसा हम लोग का पगार हम लोग का जो आता था हफ्ते में, वीकली हमारा पेमेंट होता था, पेमेंट मैक्सिमम अबव 10,000 आता था, अभी उसका घट के हम लोग को 7,000-8,000 आ रहा है। तो मतलब क्या है, उसमें से तो हम लोग का 3-4 हज़ार पेट्रोल ही चले जाता है, नाश्ता पानी जो हम लोग जो यहाँ पे हम लोग टिफिन लेके आते हैं, यहाँ पे नाश्ता करते उस पर हम लोग 1,000 रुपये चले जाते हैं हफ्ते भर में। तो हम लोग को बच रहा क्या है, 6-5 हज़ार मतलब क्या है? एटलीस्ट हम लोग को 8-9 हज़ार तो बचना चाहिए, लेकिन पैसा पूरा कम हो गया है। नहीं बोल के नहीं, 3,000 से लेके 4,000 तक हम लोग को कम आ रहा है, लेकिन इसमें हम लोग का पेट्रोल का ही 2,000 है। हायर अथॉरिटी से हम लोग की सुबह से बातचीत हो रही है, वो लोग सीधा डिस्कस कर रहे, सीधा बोल रहे अर्निंग में तुम लोग का कुछ पैसा नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है, बोले आप लोगों को यही पेमेंट में काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्यों करें, लेकिन जब हम लोग का पैसा कम हो गया तो काम करके हम लोग को हमारा पैसा हक का दो, हमारा हक का जब पैसा नहीं मिल रहा करके हम खड़े ना। और यहाँ पे सिर्फ हम आपस में अकेले कोई बंदा हम लोग को लेके नहीं चल रहा है, यहाँ पे सब एकता है, सब एक साथ है, सब भाई लोग हैं, हम लोग सब बहन है हमारे साथ, हम लोग सब साथ में खड़े। हम लोग यहाँ पे कोई बड़ा कोई लीडर हमारा कोई नहीं है, कोई लीडर नहीं है, सब हम लोग आपस में मिलके खड़े हैं। 3-4 दिन हो गया, हम लोग ने अनिल सर को सचिन सर को बाकायदा भेजे मैसेज करे, उन लोग ने यही बोला कि हम लोग आके आने के बाद ठीक करते। हम लोग के पास डेटा है, उनका मैसेज करा हुआ है कि मैं आके पे आउट आपका बराबर करके देता हूँ, वो अब तक आ रही है। अभी आने के बाद हमारे 4 छोकरे 5 छोकरे अंदर है चौकी में जमा है, इस वजह से हम लोग को पे आउट का इशू है, हमारा पे आउट ठीक करके दे दो। हम लोग सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सब अपना अपना ओपिनियन रख के इधर आए ले, सबको काम नहीं करना है। पे आउट बढ़ाओ तो काम करेंगे, तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग ने स्ट्राइक करे, उन लोग का नाम आया, उन लोग को इसके लिए चौकी में डाल दिए। हम लोग का एक हफ्ते से चालू है सिलसिला, हम लोग बोल रहे भी है सर हमारा पैसा जो है हमको बराबर, तो हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। तो उन लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग सोल्यूशन ठीक करते करते हम लोग को महीना 15 दिन हो गया। फिर हम लोग ने परसों भी स्ट्राइक किए थे, तो हम लोग ने बोले थे हमारे को मैप सही करके दो, हमारा पे आउट सही करके दो, तो उन्होंने ना पूरा दिन भर खाए, और फिर दिन भर खाने के बाद ना उन लोगों ने सिर्फ मैप सही किए, जो पे आउट था ना पहले से वो भी कम कर दिए। और फिर अभी हम लोग ने
कल से स्टार्ट किए, मैसेज डालना कि सर पे आउट कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, कुछ करो, तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था, पर जो पहले से था ना वही था। और ये देखो मैसेज कि मैं दो दिन में आके करता हूँ, और आज तीसरा दिन है, आज कुछ भी हुआ नहीं। और हम लोग के जो पाँच जन अंदर है चौकी में, उनका कुछ है नहीं, जो भी स्ट्राइक पे सब अपने अपने बल पे, और उनका कुछ नहीं ना, उनके बोलने पे हम चल रहे ना हमारे बोलने पे वो चल रहे। जो भी उनको गलत तरीके से लिया गया है, और ऊपर से जो है कि ये धमकी दिया गया है, तो धमकी हम 180 राइडर में से किसी ने भी किसको धमकी दिया नहीं है। हमने सिर्फ अपनी मांग पूरी की कि हमको सिर्फ हमारा जो पे आउट मिल रहा है वही दो, और एक्स्ट्रा हमको चाहिए भी नहीं, हमको बस इतनी सी मांगे। और हमारे जो पाँच भाई अंदर है उनको सिर्फ बाइज्जत हमको बाहर चाहिए बस। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।